पटना के मसौरी थाना क्षेत्र के रहमानगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आई है, जहां निर्दयी पिता ने अपने 2 वर्ष के मासूम पुत्र की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि निर्दयी पिता ने मासूम की जमीन पर पटक पटक कर हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसे लगता था कि वह उसका पुत्र नहीं है। बता दे कि सोमवार से मासूम जिसान लापता था। 3 दिन बाद बुधवार की सुबह पुलिस ने मासूम का शव थाना क्षेत्र के डबंगला निरीक्षण भवन के जर्जर कमरे से बरामद किया है। वहीं पुलिस मृतक मासूम की मां के बयान पर उसके पिता को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। सॉरी थाना को एक 2 वर्ष बच्चे के गुमशुदा के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसपे प्राथमिकी दर्ज कर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के क्रम में बच्चे के परिजन एवं उसकी मां के द्वारा बताया गया कि दिनांक 24/6/24 को बच्चे के पिता मोहम्मद गुलजार, पिता मोहम्मद नसीम, साकिन रहमतगंज के रहने वाले हैं, जो अनुमंडल अस्पताल अपने बच्चे एवं पत्नी के साथ गए हुए थे। अस्पताल में ही बच्चे के पिता बच्चे को लेकर बाहर निकल गए और मां वहां पे ही रह गई, अस्पताल में ही थी। इस संबंध में पूछताछ किया गया तो बच्चे के पिता इस संबंध में कुछ बता नहीं पाए कि वो बच्चे को लेके उसके बाद कहाँ चले गए, और बच्चे को अंतिम बार आखिरी बार बच्चे के पिता के साथ ही देखा गया था। दिनांक 26/6/24 को बच्चे का शव डाकबंगला के खंडहर से प्राप्त हुआ, और इसमें बच्चे की मां के द्वारा एवं अन्य परिजन के द्वारा यही बताया गया कि ये जो घटना कारित की गई है बच्चे के पिता मोहम्मद गुलजार, पिता मोहम्मद नसीम के द्वारा की गई है। इस संबंध में बच्चे के पिता मोहम्मद गुलजार, पिता मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। FSL एवं डॉग स्क्वाड की टीम बुला ली गई है। स्थिति सामान्य है।